सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए 4 आलू। ये मैंने आलू को मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक कद्दूकस है, कद्दूकस से, और यहाँ पे मैंने लिया है कद्दूकस। और अब हमें क्या करना है, इन्हें इस तरीके से आलू को कद्दूकस करना है। और आलू को हमें क्या करना है, यहाँ पे न ज़्यादा बॉईल करना है, एकदम ज़्यादा उले भी नहीं करना है और एकदम कच्चे भी नहीं रखना है। इस तरीके से बॉईल करना है जिससे कि ये अच्छे से मैश हो जाए। इस तरीके से सारे आलू को हम इस तरीके से कद्दूकस कर लें। इस तरीके से हमें सारे आलू को कद्दूकस करना है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे आलू को इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। और अब हमें इसमें क्या करना है, नमक थोड़ा हल्का सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। मैं यहाँ पे चाट वाला नमक है, हल्का सा चाट वाला नमक इसमें से इस तरीके से ऐड कर। आप चाहें तो यहाँ पे सादा नमक भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे आप चाहें तो काली मिर्च, या फिर इस तरीके से इसमें सारे मसाले हैं, काली मिर्च भी है, सारे मसाले इसमें हल्का सा मसाले को इसमें और से थोड़ा सा ये मसाले को ऐड कर इस तरीके से। और अब इसे रखेंगे साइड में और करेंगे बाकी का काम। और जार में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये है चना दाल, हाफ बाउल चना दाल है। चने दाल को मैंने पहले से ही आधा घंटा पहले मैंने इसे भिगो के रखा हुआ था और इसे अच्छे से वॉश करके, देखिए आधा घंटा पहले ही मैंने इसे भिगो के रखा हुआ था। और देखिए हमारी चना दाल जो है वो भी इसे ऐड करना है, इसमें ऐड कर लेंगे। और इसमें सबसे पहले ऐड करना है, यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन चिल्ली को इस तरीके से बारीक चॉप करके रखा हुआ था, ये मैंने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। चटपटा स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम ग्रीन चिल्ली को इस तरीके से ऐड कर लेंगे, अदरक बारीक कटा हुआ अदरक को ऐड कर लेंगे, और एक काजू है, काजू को मैंने पहले थोड़ा सा घी में अच्छे से रोस्ट करके, देखिए बारीक चॉप करके रखा हुआ है, थोड़ा सा 7 से 8 काजू हैं, थोड़ा सा काजू को भी इसमें ऐड करें। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें ऐड करें, नहीं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद में ऐड करेंगे किशमिश है, किशमिश को मैंने इस तरीके से बारीक चॉप करके रखा हुआ था, किशमिश को भी ऐड कर लें, हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया को भी ऐड कर लें। और यहाँ पे बाइंडिंग के लिए आलू को जो कद्दूकस के रखा हुआ था आलू को ऐड कर लें। और अब इसे क्या करेंगे, अच्छे से मैश करना है। इस तरीके से मैश कर लेंगे। चटपटा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पे 1/2 स्पून लाल मिर्च ऐड करना है, और मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैश हो गया, एकदम डो की तरह, जैसे आटे का डो लगाते हैं उसी तरीके से इस तरीके से मैश करना है। और अब हम यहाँ पे इसकी छोटी छोटी से आप जिस तरीके से आपको पसंद है आप उस तरीके से इसकी टिक्की बनाना शुरू कर दें। आकार यहाँ पे आप किसी प्रकार से भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे गोल भी बना सकते हैं और इन्हें तिकोना भी बना सकते हैं। ये चपटे में इस तरीके से बना लें और बाकी को भी हम इसी तरीके से बना दें। बाकी टिक्कों को भी मैंने इसी तरीके से बना लिया, देखिए इस तरीके से। साइज आप किसी प्रकार से भी बना सकते हैं, आप इन्हें इस तरीके से गोल भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें चौकोर भी बना सकते हैं। आकार यहाँ पे आप किसी प्रकार से अच्छे लगेंगे, फ्राई करने के बाद में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और यहाँ पर मैंने लिया पैन, आप यहाँ पर किसी प्रकार से भी पैन या कढ़ाई ले सकते हैं। और मैंने इसमें पहले से ही 2 चम्मच ऑयल रखा है, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में ही आज मैंने ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। और अब हमें इस तरीके से हल्का हल्का करके फ्राई करना है। और ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे इन्हें फुल फ्राई नहीं करना है, हमें इन्हें बस हल्का सा ही फ्राई करना है जिससे कि इनका कच्चापन चले जाए। और बाकी का फ्राई हमें अभी इन्हें बाद में भी करना है, और वो किस तरीके से करेंगे ये आप वीडियो में ज़रूर देखें। और वीडियो में ऐसे ही जुड़े रहें, वीडियो में ऐसे ही बने रहें,
और देखते रहेंगे किस तरीके से हम इन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे। और अब हमें क्या करना है, आराम आराम से इस तरीके से हमें इन्हें उलट उलट करना है। इस तरीके से आराम आराम से हमें इन्हें उलट उलट कर लेना है। हल्का सा गोल्डन कलर आ गया, देखिए इस तरीके से हमें इन्हें फ्राई करना है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से आराम आराम से इन्हें प्लेट में निकालना है। ये देखिए इस तरीके, इस तरफ से भी हमें सिर्फ गोल्डन कलर ही करना है इस तरीके, क्योंकि ये हमारा पहला तरीका है टिक्की को फ्राई करने का। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका दूसरा तरीका किस तरीके से है इसे फ्राई करने। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले से ही ये आलू को, कच्चा आलू है, कच्चा आलू को इस तरीके से कद्दूकस करके रखा। और ध्यान रहे कि हमारा जो आलू है वो बहुत जल्दी से काला पड़ जाता है, इसलिए इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लगा के रखना है। देखिए मैंने ऑयल लगा के रखा हुआ था तो हमारा आलू देखिए बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा। और अब इसमें ऐड करना है ये मैंने थोड़ा सा जो बचा के रखे हुए थे किशमिश, ये हरी मिर्च, थोड़े से काजू, अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया, हल्का सा नमक। नमक हमने यहाँ पर पहले से ऐड करके रखा हुआ है तो हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ऑयल हमारा देखिए अच्छे से गर्म हो गया। जैसे हमने ये दूसरा तरीका है कि हमें किस तरीके से यहाँ पे टिक्की को फ्राई करना है। देखिए और ध्यान रहे कि हमें इसे ज़्यादा नहीं पका रहे जिससे कि ये हमारी जो टोकरी है टूट जाए, हमें बस इसे हल्का सा फ्राई करना है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से टिक्की को इस तरीके से बीचों बीच में रखना है। और अब हमें इसे ये देखिए इस तरीके से, देखिए ये देखिए जाली बनना शुरू हो गया। देखिए अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये टूट जाएगा, हमें इस तरीके से आराम आराम से इसे इस तरीके से इसे कवर करना है। ये देखिए साइड से देखिए यहाँ पर जाली बनना शुरू हो गया। देखिए आराम आराम से हमें इसे इस तरीके से कवर कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे चारों तरफ से कवर करना है। देखिए बस ध्यान रखना है कि हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है जिससे कि ये टूट जाए, जो हमारी टोकरी है वो टूट जाए। ये है दूसरा तरीका देखिए टिक्की को फ्राई करने का, यह है दूसरा तरीका। आप इस तरीके से भी इन्हें टिक्की को फ्राई कर सकते हैं। एकदम करारी क्रिस्पी टिक्की देखिए हमारे बनके तैयार हो गए। अब हम इसे आराम से उलट पलट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे आराम आराम से, ये देखिए हो गया ना एकदम क्रिस्पी और करारा। देखिए इस तरीके से हमें फ्राई करना है। देखिए हमें टिक्की को किस तरीके से फ्राई करना है। देखिए ये हमारा दूसरा तरीका है कि हम टिक्की को इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए एकदम लाजवाब और क्रिस्पी टिक्की देखिए हमारा बनके तैयार हो गया। बस थोड़ी देर में ही ये दूसरी तरफ से भी फ्राई करने से देखिए अच्छे से एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई हो गया। और अब हम इसे आराम से इस तरीके से देखिए प्लेट में निकाल दें। ये दूसरे को भी हमें इसी तरीके से, बाकी को भी हमें इसी तरीके से बनाना है। पर एकदम परफेक्ट तरीके से देखिए यहाँ पे हमारी टिक्की जो है फ्राई हो गया। और अब इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद। थोड़ा सा ये चाट मसाला है, हल्का सा इसमें थोड़ा सा चाट मसाले को ऐड कर लिया जिससे कि जो हमारा आलू टिक्की है वो देखने में तो इतना लाजवाब लग रहा है, खाने में और भी ज़्यादा
स्वादिष्ट एकदम फटफट तरीके से यहाँ पर हमारे दोनों प्रकार से आलू टिक्की बनके हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखने में देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, ये खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। तो दोस्तों आपको हमारे हाथ की ये आलू टिक्की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास आए। आज की रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ में।